चलो भाई क्लास देखो। देखिए भाई मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ, बच्चों गर्ल्स भूमि बस बातें नहीं। देखो आप लोगों को बता दिया कि आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास थ्योरी वाली नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिकल वाली को क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे थोड़े से नए हैं ना उनको शायद ये बात पता नहीं होगी, आपका कोई भी सब्जेक्ट 12th क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर आप साइंस स्ट्रीम का पढ़ते हैं तो उसमें 100 मार्क्स का आपको पता है पेपर है ही, उस 100 मार्क्स के अंदर आप लोगों की 70 मार्क्स की बोलो क्या है थ्योरी है, 70 मार्क्स कवर्ड बाय थ्योरी पार्ट एंड 30 मार्क्स कवर्ड बाय प्रैक्टिकल पार्ट। अब इसमें प्रैक्टिकल में आप लोगों का प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि वाइवा भी इंक्लूड होता है और आपकी प्रोजेक्ट फाइल भी इंक्लूड होती है, कुछ इस तरीके से बायफर्केशन करती है सीबीएसई कि 22 नंबर का तो आप लोगों का लेती है प्रैक्टिकल, 4 नंबर का आप लोगों का वाइवा हो गया, ऐसे ही 4 नंबर का आपकी प्रोजेक्ट फाइल हो गई, उसको ब्रेक करती है इस तरीके से, ठीक है ना। 4 नंबर का आपका वाइवा कर देगी, 4 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल कर देगी, तो मतलब एक तरीके से मान के चलो कि 22 नंबर वो आप लोगों को किस चीज के रखती है कि आप वहां पर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाएंगे उनको उस चीज के, मतलब 10th तक प्रैक्टिकल उतने मायने रखते नहीं थे, आते थे तो भी ठीक है, नहीं आते थे तो भी ठीक है, चल जाता था काम, बट 11th 12th में प्रैक्टिकल ना आना ना बहुत बड़ी सरदर्दी है, बिकॉज 30 मार्क्स ना बहुत मेजर पार्ट होता है आपके मार्क्स, 100 में से 30 मार्क्स सिर्फ किस चीज के हैं बोलो प्रैक्टिकल के, बोर्ड में पेपर आएगा वो सिर्फ इतने नंबर का आएगा, 70 नंबर का, ठीक है। अब ये जो 22 नंबर है ना ये प्रैक्टिकल्स के हम लोग यहाँ पर क्लास में ही परफॉर्म करेंगे, स्कूल में तो आपको टीचर कराएंगे जैसे कराएंगे मुझे नहीं पता, जनरली स्कूल में ज़्यादा प्रैक्टिकल्स को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, मैंने बहुत रेयर किसी स्कूल में देखा है कि प्रैक्टिकल भी उतने अच्छे से कराए जा रहे हैं जितने अच्छे से थ्योरी कराई जा रही है, नहीं कराते, मोटा मोटा प्रैक्टिकल बताते हैं क्या है क्या नहीं करना, सीधा प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं बच्चों, इसको इसको मिलाना ऐसा बन जाएगा, हो गया काम खत्म, आपको आए चाहे ना आए पता नहीं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि भैया ये काम करा हो गया, हम पहले पूरा जैसे पढ़ाई करते हैं थ्योरी पार्ट की ना वैसे ही बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टडी करा जाएगा, पहले समझा जाएगा माजरा है क्या एक्चुअली में, उसके बाद आप लोगों को परफॉर्म करने के लिए दिया भी जाएगा, वन टाइम परफॉर्म मैं करके दिखाऊंगा, जब आप लोग देख लेंगे कि सर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे, समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सामान हमारे पास सारा है, ऑलमोस्ट सारे सॉल्ट हैं, सारे केमिकल्स हैं, जितने भी जरूरत होती है आप लोगों के सिलेबस के लिए 11th 12th के सिलेबस के लिए, तो वो हमारे पास सारा सामान, और हमारे पास स्पेस भी अब ऐसा हो गया कि हम एक ही जगह पर कंडक्ट कर सकते हैं अपना सारा प्रैक्टिकल का जो भी मैटर करना है, पहले मैं अलग अलग रूम्स के अंदर करना पड़ता था, बट अब शायद मेरे को लगता है 3-3, 4-4 बच्चे एक जगह पर खड़े होकर इस रूम के अंदर स्पेस में आ जाएंगे, तो अब शुरू करते हैं बच्चों इस काम को भी। देखिए आप, मैं बता देता हूँ आपकी 3 चीजें हैं, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सुन लीजिए, एक आपका होता है सॉल्ट एनालिसिस, और एक आप लोगों का होता है बच्चों कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। मैंने 3 चीजें बोली हैं। सर से पीछे से चेयर ले लो, उस कपड़े से साफ कर लेना अगर गंदी है तो। आगे ले आना सर, आगे ले आओ। वहां बैठोगे वहां पंगा नहीं है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगर देखो पीछे से ज्यादा गर्मी लगे तो आगे आ जाना, आगे बहुत ज्यादा खाली है, ठीक है। वहां एक फैन लगना है, अभी पूरा काम हो नहीं पाया इस रूम का, लेकिन आज क्लास कंडक्ट कर ली है, ठीक है, क्योंकि कितनी छुट्टी करते, सो कुछ काम अभी रह गए हैं, जैसे उधर फैन लगना है, ठीक है, और थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह का भी काम है, सो कुछ चीजें रह गई हैं, वो चलती रहेंगी साइड बाय साइड, अपनी क्लास कंटिन्यू कर देते हैं बस ये, ठीक है। अगर पीछे किसी को ज्यादा गर्मी लगे अपने आप आगे आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज एक बात सुनिए भाई, क्लास प्लीज, ये 3 एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, सीबीएसई इसको ऐसे तोड़ती है, 8 मार्क्स 8 मार्क्स 6 मार्क्स, कितने हो गए बोलो, 22 नंबर, कितने हो गए 22 नंबर, ये 22 नंबर तो मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा पूरी तरीके से यहीं पर, सारा कुछ कराया जाएगा आप लोगों को थ्रू आउट द एंड, आप लोग बोलेंगे सर 12th में है बच्चों, 11th में भी यही चीज है, और 12th तक भी मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल का सिलेबस दोनों का सेम है, 11th का और 12th का प्रैक्टिकल सिलेबस बिल्कुल सेम है, आप 11th से करना शुरू करते हैं, 12th की एंडिंग तक करते हैं, और फिर जाके आपका पूरा एक एग्जाम होता है, एक्सटर्नल आता है अदर स्कूल से, और वो आपका एग्जाम कंडक्ट करता है,
और देखता है कि आप इस 22 नंबर में कितना अच्छा कर पा रहे हैं। समान स्कूल अलग होता है, 11th में एक्सटर्नल नहीं आएगा, 11th में आपके टीचर्स ही लेंगे ये चीज, ठीक है। लेकिन जो बच्चे 11th में ही सीख लेंगे उनको फायदा मिलने वाला 12th के लिए बहुत ज्यादा, क्लियर है। तो उनको ये मैंने बोला ना, सेम चीजें तो कवर हो जाती है। चार नंबर का वाइवा रहेगा, वाइवा आप लोगों को पता है भैया आपके खुद के ऊपर ही है कितना अच्छा आप बोल पाओगे, जैसा पढ़ोगे वैसा बोल पाओगे, सिंपल सी बात है। और चार नंबर वो प्रोजेक्ट फाइल के भैया वो तो आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। सो गाइज ये है। अब जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं ना उनको पता है हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर चुके हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मैंने कराया था, कैलकुलेशन पार्ट भी शायद मैंने करवा दिया था आप लोगों को, कैलकुलेशन पार्ट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ आई थिंक रीडिंग ली है बस, कैलकुलेटिव पार्ट नहीं करा हमने कवर। वॉल्यूमेट्रिक करोगे पहले दोबारा से, वॉल्यूमेट्रिक नहीं नया करते हैं, क्योंकि नए बच्चों ने ना अब तक मोलैरिटी तो पढ़ा नहीं, उनको मोलैरिटी पता नहीं है, मोल्स पता नहीं है, उनको मैं बताऊंगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कुछ समझ में नहीं आएगा, बाउंस हो जाएंगे सर के ऊपर से। चलिए ये वाला करते हैं, कोई नहीं, वॉल्यूमेट्रिक रिपीट करेंगे आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि एक एक्सपेरिमेंट मैंने एक बार कराया दोबारा नहीं हुआ, साल में लगभग 4-5 बार तो वॉल्यूमेट्रिक होएगा, 4-5 बार ये होएगा, 4-5 बार ये होएगा, तब जाके पूरा होता है बहुत अच्छे से, एक बारी से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। वाई वाई बाद की चीज है ना, पहले सीख तो ले। चलिए शुरू करते हैं। नाम है सॉल्ट एनालिसिस, एज इट्स नेम सजेस्ट, सॉल्ट को एनालाइज करना। तो पहले कौन बच्चा बताएगा क्लास में कि सॉल्ट क्या होते हैं? नमक, बनते कैसे हैं? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और आपको पता है सॉल्ट बनता है। मैं एक वन ऑफ द एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल मैं लेने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। आप लोगों ने सबने इसके बारे में सुना होगा, NaOH प्लस HCl, तो यहां से वॉटर निकलता है, देखो वॉटर निकल रहा है H2O और क्या बन रहा है, ये है बच्चों सॉल्ट। पहले आपको सॉल्ट को समझना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज है सॉल्ट समझना है भाई, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं हम हो सकता है 2 क्लास सिर्फ समझे चीजों को, जो 2 क्लास समझ जाएंगे ना 3री क्लास में हम परफॉर्म करेंगे उसको, ठीक है। देखो भाई आप बिल्कुल भी ये मत समझे कि सीधा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें, उसमें आपको 5-10 मिनट मजा आएगा, उसके बाद समझ में कुछ नहीं आएगा, देखने में अच्छा लगता है ना तो दिखाएंगे भैया, लेकिन दो क्लास पहले समझ तो लो मैटर क्या है। एक तो तुम्हें आता होगा तब तुम करोगे तो मजा आएगा, एक तुम्हें आता कुछ नहीं बार बार आओगे सर अब क्या मिलाऊं, सर अब क्या मिलाऊं, उल्टी सीधी चीज मिला दोगे उसका कोई फायदा नहीं है। सो गाइस मैंने आपको बोला कि NaOH और HCl ने जब रिएक्ट करा तो बोलो क्या बना, NaCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, यू नो दैट दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वाटर निकल जाता है भैया इसके अंदर से NaCl बन जाता है। अभी सॉल्ट के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि ये कटायन है, मैं अगर NaCl को थोड़ा ध्यान से देखूं तो मैं बोलूंगा ये प्लस का है और ये बोलो ये वाला पार्ट कटायन पार्ट है और ये वाला पार्ट, इनको एक और नाम दिया जाता है, मैं आपको बताता हूं अनायन, एक और नाम ये होता है बच्चों, क्योंकि जो कटायन होता है ना हमेशा सॉल्ट के अंदर, देखो सॉल्ट के अंदर एक बात क्लियर रखना, एक कटायन होगा हमेशा और एक क्या होगा अनायन, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगी और एक नेगेटिवली चार्ज। थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं बचपन में तुम लोगों ने NaCl का कॉम्बिनेशन कैसे पढ़ा था, सब बच्चों ने यही पढ़ा था कि सोडियम के पास ना कॉन्फ़िगरेशन वाइज 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 का मतलब होता है 2.8.1, और सब जानते हैं कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसको नियोन का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जो कि हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस के अकॉर्डिंग, सबने वैलेंसी वाला सीन तो पढ़ा है भाई, तो 2.8.1 बनना चाहेगा 2.8, क्योंकि 7 ले तो नहीं सकता अपने शेल को पूरा करने के लिए, 1 जरूर दे सकता है, तो 1 जब ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो बोलो क्या बनेगा, Na+। एंड क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एटम के अंदर तो भैया जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब 11 प्लस है तो 11 ही माइनस है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सोडियम के पास, तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब जितना प्लस होता है प्रोटॉन वाला 11 उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है माइनस वाला 11, तो प्लस 11 माइनस 11 न्यूट्रलाइजेशन में 0 है चार्ज। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बहुत बार बताता हूं मैं बात आप लोगों को, अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब उसके पास सिर्फ मात्र 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं 11 है, अभी भी प्रोटॉन तो 11 ही है ना, प्रोटॉन नहीं जाते कभी भी, लेन देन किसका होता है हमेशा बोलो इलेक्ट्रॉन्स का, तो एटम के पास तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया और प्रोटॉन उसके पास एक ज्यादा रह गया, तो इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आता, तो आप जानते हैं Na+ बना, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए। वहीं ऑन द अदर एंड क्लोरीन अगर साथ में बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है क्लोरीन,
तो क्लोरीन भाई साहब का कॉन्फिगरेशन होता है 2.8.7, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आप जानते हैं 2.8.8 हो जाएगा, ऑर्गन बन जाएगी, नोबल गैस बन जाएगा, या बोले कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 2.8.8 आ जाएगा। ये सब बातें बच्चों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तो मैं बोलता हूं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बनाएगा सी एल माइनस, किससे लेगा? सोडियम ही देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको। सोडियम ने क्यों दिया बताओ जरा? स्टेबिलिटी के लिए। क्लोरीन ने क्यों लिया? स्टेबिलिटी के लिए। तो दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल है कि नहीं? सोडियम और क्लोरीन का मिलना कंपेटेबल है कि नहीं? क्योंकि सोडियम लॉस करना जाता है और क्लोरीन लेने जाता है, दोनों को स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसलिए कंबाइंड होते हैं। लेकिन जब ये कंबाइंड होते हैं तो सोडियम लॉस करके कंबाइन होता है और क्लोरीन गेन करके, इसे सोडियम बन चुका होता है Na+ और क्लोरीन बन चुका होता है Cl- एंड देन जाके आपका NaCl ओवरऑल न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें एक कटायन पार्ट होता है और एक अनायन पार्ट होता है। गाइस ये छोटी मोटी बातें आपको सारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जितनी बातें मैंने अब तक करी इसमें कोई डाउट है तो मुझे फटाफट से बोलो, ठीक है? अब एक और बात सुन लीजिए, आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा जब वाइवा आएगा, अभी जितनी वाइवा की बात कर रहा था, टीचर सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा सॉल्ट से कि सॉल्ट में जो कटायन पार्ट होता है वो एसिड से आता है या बेस से आता है? देख के बताओ, कटायन पार्ट Na+ कहां से आया बोलो? बेस से। तो ये हमेशा बोलते हैं ये बेसिक रेडिकल होता है या बेस रेडिकल होता है, ये बेस से आया हुआ रेडिकल, बताऊंगा बाद में क्या होता है, लेकिन ये बेस से आया हुआ स्पीशीज है, इसलिए इसका नाम रखा बेस रेडिकल या बेसिक रेडिकल। और ये देखो Cl- कहां से आया? एसिड से। तो बोलो ये क्या हुआ, एसिडिक रेडिकल या एसिड रेडिकल? तो सबसे पहली चीज ना तुम्हें बेसिक आधार पर पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें पढ़ा क्या रहा हूं ना, आज क्या हम करने वाले हैं, क्या हम सीखने वाले हैं ना, वो जरूर पता होना चाहिए। सो गाइस बात सिर्फ इतनी सी है, टॉपिक का नाम है सॉल्ट एनालिसिस, सबसे वास्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल का, सबसे वास्ट टॉपिक और कह सकता हूँ सबसे डिफिकल्ट टॉपिक भी। तीन प्रैक्टिकल है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इज ओनली सॉल्ट एनालिसिस। बच्चों का जो सरदर्द है ना उसी भी सीखी वैसे, सबसे ज्यादा मुश्किल प्रैक्टिकल में ये वाला पार्ट है। और मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा, सीक्वेंस से बताऊंगा ना, आप लोग बस सुनते चलना, समझते चलना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे इसको, तीन टुकड़ों में समझेंगे, पहले एक टुकड़ा करेंगे उसका प्रैक्टिकल करेंगे, फिर दूसरा, फिर इसका प्रैक्टिकल, ठीक है? एकदम नहीं करेंगे सारा। सो मुझे एक बात तो समझ में आ गई सर, सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो कुछ स्पीशीज बनती हैं जिनमें कटायनिक पार्ट होता है और एक अनायनिक पार्ट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स। कटायन हमेशा बेस से आया हुआ चीज होता है और अनायन हमेशा एसिड से आया हुआ चीज होती है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा और कोई, और कोई मेरे को सॉल्ट बताओ, और कोई सॉल्ट NaCl के अलावा, कोई और सॉल्ट? बच्चों मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन सारे सॉल्ट हैं। अरे मेटल अनायंस कटायनिक पार्ट बनाते हैं और नॉन मेटल्स कैसे बोलो? अनायनिक। अब क्या मेटल नॉन मेटल क्या? अरे जो इधर बैठे हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये सब मेटल्स हैं। उधर बैठे कौन है? क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। इनके कॉम्बिनेशन बोलो क्या है? सॉल्ट है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, MgCl2 सुने? अच्छा बनाया कैसे होगा सोचें, बचपन में शायद ये भी पढ़ाया गया होगा, अगर Mg के नीचे 1 है तो वो उसकी वैलेंसी है, उसके नीचे 2 है तो वो इसकी वैलेंसी है। सो ये MgCl2 कुछ ऐसे बनता होगा कि Mg के नीचे +2 होता है और Cl के नीचे, कुछ याद आ रहा है? और ये बनता है MgCl2। अब इसमें भी एक कटायनिक पार्ट और एक बोलो क्या है? अनायनिक पार्ट। एक कटायनिक पार्ट है और एक बोलो क्या है? अनायनिक पार्ट। सो ये भी एक तरह का सॉल्ट है। ऐसे एक दो सॉल्ट नहीं है बच्चों, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट है, बहुत सारे सॉल्ट, मतलब कोई लिमिट नहीं है, बताऊंगा लेकिन आपके स्टेबस में कितने हैं। ये भी एक सॉल्ट है, वो भी एक सॉल्ट है, ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है। लेकिन एक बात मैं बस आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एल्यूमिनियम में आप लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम के नीचे +3 होता है, Cl के नीचे, एक बार ये समझ लेते हैं कि ये फंडा होता है कैसे। ये है तो 10th क्लास की चीज, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ उसको। जैसे कि बच्चों MgCl2 की बात कर लो, सब बच्चे जानते हो मैग्नीशियम का कॉन्फिगरेशन 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2.8.2। तो मुझे सब बच्चे बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा? 2 देगा, दो देने से जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। सो अगर ये 2 दे देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के जाने से एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि प्रोटॉन्स की संख्या थोड़ी 2 ज्यादा हो जाएगी। अरे पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 12 प्रोटॉन 10 ही इलेक्ट्रॉन है बस। तो भैया 2+ ज्यादा है, 2+ ज्यादा है तो इसका मतलब Mg2+, क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन गए, क्लोरीन कॉम्बिनेशन में आने वाला है, क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, कौन बताएगा? 1। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन आए बोलो? 2। तो एक क्लोरीन तो एक ही लेगा और 2 क्लोरीन कितने लेंगे? 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 Mg कितने क्लोरीन्स का कोटा पूरा कर सकता है? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1 मैग्नीशियम कितने क्लोरीन्स को स्टेबल कर सकता है? 2 को, क्योंकि 1 क्लोरीन को तो एक ही चाहिए था और वो तो 2 लॉस कर रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि 2 क्लोरीन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और बोलो क्या बनाएंगे? 2Cl- बनाएंगे, 2Cl। ये समझ नहीं आया कैसे हुआ भैया? 2 इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए बोलो? 2। Mg से अब 2 क्यों आए सर? क्योंकि 2 से स्टेबिलिटी आ रही है उसको, तो वो 2 रिलीज करेगा तो कितने क्लोरीन को सेटिस्फाई करा सकता है? क्योंकि 1 क्लोरीन को मात्र एक ही चाहिए होता है,
तो अगर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होके आए हैं तो कितने क्लोरीन सेटिस्फाई हो जाएंगे, दो, तो दो क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, बन गया दो सीएल माइनस, तो फाइनली वी हैव एमजी टू प्लस एंड टू सीएल माइनस, सो इट विल फॉर्म है एमजीसीएल टू, एमजीसीएल टू। AlCl3 में और सोच लो लास्ट, बस AlCl3 बताओ, एल्यूमिनियम के पास कॉन्फिगरेशन होता है 2.8.3, ये तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अपने आप को बनाता है Al3+, और ये तीन लॉस करेगा तो कितने क्लोरीन्स का कोटा पूरा करेगा, कोटा समझते हो ना, बेसिकली उसको जितना नीड चाहिए, तो एक क्लोरीन को तो मात्र एक ही चाहिए होता है और वो बना लेता है Cl-, लेकिन मैं कहूंगा ऐसे तीन क्लोरीन को तीन इलेक्ट्रॉन मिल गया वो तीन Cl- बनाएंगे, तो एक एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन्स को साथ कंबाइंड होएगा, तीन के साथ, इसलिए बनता है AlCl3। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है सर, सॉल्ट के अंदर हमें समझ में आ गया कि एक कटायनिक पार्ट होता है और एक अनायनिक, एक ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे होते, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करे होते, गेन करे होते, इसलिए एक प्लस का होता है और एक माइनस का, और उसके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम बेसिकली सॉल्ट बोलते हैं। मेरे को लगता है यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आते हैं असली मुद्दे पे, असली मुद्दा ये है कि नाम है सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट को एनालाइज करना। अब सीबीएसई क्या करेगी बताए आप लोगों को, ऐसे अच्छा आपको क्या लगता है कितने सॉल्ट होंगे ऐसे, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे। आपको पता है मैं सोडियम को सिर्फ क्लोरीन से थोड़ा ना, मैं तो फ्लोरीन से ही मिला सकता हूँ, मैं तो ब्रोमीन से ही मिला सकता हूँ, मैं तो आयोडीन से ही मिला सकता हूँ, मैं तो बहुत सारे एनायन से मिला सकता हूँ, ऐसे मैग्नीशियम को मैं बहुत सारे एनायन से मिला सकता हूँ, बोलो है कि नहीं वंश। अगर मैं यहाँ पर कटायंस की बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारे कटायंस है ना, और मैं एनायंस की बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारे एनायंस भी हैं। लेट अस से मेरे पास कटायन कौन कौन से हैं, बोलो, एन ए प्लस, एम जी टू प्लस, ए एल थ्री प्लस, जिंक टू प्लस, कैल्शियम टू प्लस, बोलो है कि नहीं। थोड़े और वैसे आयंस भी होते हैं जैसे अमोनियम आयन होता है NH4+, लेड 2+, कुछ तो आपने सुने भी नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपर 2+, आयरन 2+, आयरन 3+, देर आर सो मेनी कटायंस ना, एंड देर आर सो मेनी एनायंस एज वेल, बोलो कौन कौन से, Cl-, Br-, आयोडीन-, ठीक है, और सुनो वैसे वाले कार्बोनेट, CO3 2-, सुना है कभी आप लोगों ने, है ना, सल्फेट सुना है आप लोगों ने, SO4 2-, है ना, और क्या हो सकते हैं बच्चों, नाइट्रेट होता है क्या, NO3 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, अभी मैं जितने भी नाम लिखूं से घबराना है नहीं, हालांकि ये चीजें ना 9th 10th में आपको आयन सिखाए गए होंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं मान सकता, इसलिए था अनायंस और कटायंस की ना एक सीरीज है, मैंने अभिषेक से पूछा है कि 9th 10th में ये चीजें होती हैं, तो अभिषेक ने बताया कि हाँ होती है सर, ये सिखाई जाती है, अभिषेक सर अभी घूम रहे हैं, पूछ सकता हूँ, है ना, तो ये कटायंस अनायंस होते हैं, है ना, सो ये नाइट्रेट है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, देर आर सो मेनी अनायंस एज वेल, है ना। अब मेरी पूरी बात समझना बच्चों, एटसेट्रा लगा देता हूँ, मैं बहुत सारे लिखने वाला हूँ भी, लेकिन ऐसे ही। अब आपको क्या लगता है कितने सॉल्ट बनेंगे, एन ए प्लस किसी से भी कंबाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो अकेला 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 वही छह सात बना देगा, फिर ऐसे छह सात ये बनाएगा, छह सात वो बनाएगा, छह सात वो बनाएगा, सारे तो मैंने लिखे नहीं है, हो गए 150-200 आराम से हो गए सॉल्ट। अब सीबीएसई आपको पता क्या करेगी, एट द एंडिंग ऑफ द 12th क्लास, जिसमें जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा ना, वो आपको एक पुड़िया देंगे, पुड़िया समझ रहे हैं बात को, कागज की एक पुड़िया, उस कागज की एक पुड़िया में सफेद सॉल्ट होगा, कैसा सफेद सॉल्ट होगा, मैं कोई सा भी डब्बा यहां से उठा लूं लैब से, ये देखो ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, एंड ये ऐसा है, ये है NH4Cl, समझेंगे माजरा, NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, इसमें NH4 प्लस है पूरा का पूरा और Cl माइनस है, ये एक लॉस करता है और वो एक गेन करता है और कंबिनेशन होता है, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन ये टीचर को पता है अमोनियम क्लोराइड है, वो पता क्या करेगा आपको, हाँ ये डब्बा नहीं देगा, इसमें से निकालेगा सॉल्ट, इसमें से निकालेगा सॉल्ट, और ये सॉल्ट कैसा है, कुछ नहीं, ये सॉल्ट ऐसे होगा व्हाइट सॉल्ट, और मैं आपको बता दूं सारे व्हाइट सॉल्ट होंगे, ज्यादा देर नहीं रखेंगे इसको क्योंकि अमोनिया है, हाथ में स्मेल हो जाएगी बहुत गंदी, तो क्या करेगा वो आप लोगों के लिए समझे, ऐसे ना जैसे कि मान लीजिए आप 50 बच्चे हैं, तो वो ऐसे 50 पुड़िया बनाएगा, और उन 50 पुड़ियाओं में सब में अलग अलग सॉल्ट डाल दिए उसने, जनरली इतने सॉल्ट कोई टीचर नहीं बनाता 50, वो बनाता 10 ही सॉल्ट, और वो हर 5 बच्चों के पास कोई सेम सॉल्ट है, समझ रहे बात को, जैसे कि उसने एक अमोनियम क्लोराइड की पुड़िया बना रखी है, एक एल्युमिनियम क्लोराइड की पुड़िया बना रखी है, एक सोडियम क्लोराइड की पुड़िया है, एक सोडियम ब्रोमाइड की पुड़िया है, समझ रहे बात को, और ऐसे ही मान लो, हाँ पुड़िया ही बोलते हैं भाई इनको हम, तो एक मैग्नीशियम क्लोराइड की पुड़िया, ऐसे करके बहुत सारी पुड़िया बना दी, ठीक है 5 पुड़िया बनाई है, और 10 बच्चों को ये गया है, 10 बच्चों को ये गया है, 10 को ये, 10 को ये, 10 को ये, हो गया 50 में डिस्ट्रीब्यूशन, और सबको ऐसे पुड़िया में व्हाइट सॉल्ट दिख रहा है, सबको सिर्फ व्हाइट सॉल्ट दिख रहा है, कुछ नहीं पता है वो कौन सा सॉल्ट है, कौन से डब्बे से डाला गया है, क्योंकि सीबीएसई ने कहा सिलेबस में सिर्फ व्हाइट सॉल्ट रखो, अगर कलर्ड सॉल्ट रखे जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया वो ब्लू कलर का है, बच्चे तो रंग देख के बोल देंगे तो कॉपर सल्फेट है ना, सारे व्हाइट रख दिया, अब सारे के सारे अगर व्हाइट सॉल्ट है फिर तो पता नहीं लगा पाओगे,
फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब आप वहां पर लैब के अंदर कुछ टेस्ट करेंगे जिसके जरिए आप ये पता लगा के लाएंगे थोड़ी देर बाद कि सर मेरे पास तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आ रहा है, मैंने ये फलाना ढिकाना ऑब्जर्वेशन ली, मैंने इसको मिलाया, उसको मिलाया, उसको मिलाया, सर ऐसी ऐसी हरकत हुई है, तो इसके जिससे इशारा जाता है कि मेरा वाला सोल्ट था एल्यूमिनियम क्लोराइड है, दूसरा वाला कहता है मेरा वाला तो सोडियम ब्रोमाइड है, मेरे में ये हरकत हुई है। अब ये हरकतें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या करना है और कौन सी हरकत किस तरफ इशारा करती है, बोला है कि नहीं, यही याद करना। समझाऊंगा मैं 4 से 5 बार थ्रू आउट द ईयर करने के बाद ही दिमाग में इतना बढ़िया फिट हो जाता है ना कि आपको टेंशन नहीं, फिर आपको याद रहेगा कि ऐसा हुआ तो ये वाला होता है, ऐसा हुआ तो ये वाला होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले समझना जरूरी है कि इस सॉल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल में करते क्या है। खुला ऐसे नहीं भाई मिलाया डुलाया अभी मैंने टेस्ट ट्यूब ली मिलाया बच्चों देखो ये देखो गैस निकल रही है, कोई फायदा नहीं है। आपको प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो करने क्या जा रहे हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया कि मैटर क्या है, मैटर क्या है वो समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? ठीक ठीक। करना क्या है बस वो बताओ, कैसे करना है वाली बात ही नहीं करिए। अभी आपको ऐसे पुड़िया मिलेंगी और पुड़िया में क्या पूछा जाएगा कौन सा सॉल्ट है, और आपको भैया कुछ सुटेबल टेस्ट करने होंगे अपनी मर्जी से जो आपने पढ़ के आए घर से, और उसके बाद आप टेस्ट करके ले आएंगे सर ये वाला सॉल्ट है। अबे घर पे कैसे टेस्ट करेगा, लैब में करेगा टेस्ट। क्लियर है? और आप लोगों का जब यहां भी सॉल्ट एनालिसिस का पेपर होगा ना, सॉल्ट एनालिसिस का जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा उस दिन मैं सबको ऐसे ही रेंडम पुड़िया दूंगा, ठीक है? रेंडम पुड़िया मिलेगी आप लोगों को और आपको उसके हिसाब से काम करना है। हालांकि हम टीचर्स के पास ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिसके जरिए ना आप सॉल्ट देख के उसकी टच से उसकी स्मेल से उसके टेस्ट से, लेकिन टेस्ट करना नहीं होता, करना नहीं होता। सही समझ रहे हैं बात को? अदरवाइज हर सॉल्ट का टेस्ट अलग होता है। हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो एक लड़का था अशोक नाम का, उसका काम ही ये था उसको सभी सॉल्ट के टेस्ट बता दे। वो हम सब बच्चे उसका पुड़िया लेके जाते भाई एक बार टेस्ट करके बता दे कौन सा है, तो वो थोड़ा सा टेस्ट करता कहता भाई तेरा जिंक क्लोराइड है जा, तेरा एल्यूमिनियम क्लोराइड है जा, ऐसे उसने सबके टेस्ट याद कर लिए थे। समझ रहे हैं बात को? सबके टेस्ट याद कर लिए थे, क्योंकि मैं आपको बताऊं टीचर आपको बता देगा यही 10 सॉल्ट है मैं इन्हीं में से कुछ दूंगा, तो उसने 10 के 10 सॉल्ट के टेस्ट याद कर लिए। उसने कहा मैं इससे बढ़िया कि सारा वो याद करूं मैं सबको टेस्ट याद कर लूंगा और टेस्ट से बता दूंगा। अब वो अपने तो बताता था बाकी सबके भी बताता था। अब तुम्हें पता लग गया तुम्हारे पास ये वाला है सोडियम ब्रोमाइड, तो फिर तो तुम अपने आप कर ही लोगे टेस्ट उसका, फिर तो पता लग गया ना कौन सा है, एक तो पता लगा। लेकिन कोई टेस्ट से याद नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ अमोनिया थोड़ा सा हानिकारक होता है। हाँ बोलो। हाँ तो वो तो पॉइंट है ही, लेकिन एक होता कि पता लग गया कुछ तो काम आसान हुआ। जिसको भैया ऐसे करना है उसको टेंशन नहीं इस चीज़ की, पूछेगा नहीं पूछेगा। अच्छा अब एक फाइनल बात और बताता हूँ, एंड देन वी विल स्टडी हाउ वी कैन डिटेक्ट द एसिडिक रेडिकल एंड द बेसिक रेडिकल। गाइस अब एक छोटी सी बात सुनिए, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके जरिए आप डायरेक्ट सॉल्ट बता पाएंगे। ऐसे होता है कि पहले टेस्ट होता है किसका, अनायंस का, और फिर टेस्ट होता है किसका, जैसे कि सबसे पहले आप ये पता लगाते हैं कौन सा अनायन है। कभी भी पूरे सॉल्ट का बच्चों कभी नहीं बता लगता कि पूरा सॉल्ट ऐसे बिहेव करता है, ऐसे तो 150 सॉल्ट है। अब क्या तुम 150 सॉल्ट के वो याद कर पाओगे प्रोसीजर्स की, भैया इसमें ये होता है इसमें ये होता है इसमें ये होता है, नहीं। हाँ लेकिन तुम 10 अनायन और 10 कटायन 20 तो याद कर सकते हैं, फिर तुम्हें पता लगेगा हाँ ये जो मैंने 20 याद करे उसमें मुझे पता है कि जब सल्फेट होता है तो क्या क्या हरकत होती है, आपको पता है। अब वो सल्फेट चाहे सोडियम के साथ हो चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो चाहे एल्युमिनियम सल्फेट हो जिंक सल्फेट हो कैल्शियम सल्फेट हो, लेकिन सल्फेट है तो ये हरकत होती है। तो आपने अनायंस के लिए याद करा, किसी सॉल्ट के लिए याद नहीं करा, आपने याद करें अनायंस की चीजें, और किसकी याद करी बोलो कटायंस की। तो सबसे पहला काम होता है हमारा पहचान करना कि कौन सा इसमें अनायन है। अब अनायन मान लो तुम्हें पता लग गया, मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें पता लग गया SO4 2- है, SO4 तुम्हें पता लग गया सुटेबल टेस्ट ये कहते हैं कि इसमें सल्फेट मौजूद है, फिर तुम जाओगे कटायन टेस्ट करने। तुम्हें पता लगा कटायंस के अंदर कि भैया कटायंस ये सुटेबल टेस्ट जो मैंने करके देखे फलाना ढिकाना जो भी करा मैंने उससे मुझे पता लगा ये तो कैल्शियम 2+ है। अब आपने कहा मेरा अनायन तो ये है और कटायन ये, तो मेरा सॉल्ट कौन सा है, जरा बताएंगे कौन सा सॉल्ट है। तो आप बोलेंगे सर CA तो 2+ है, SO4 2- है। बच्चों आता ही आप लोगों को ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा, अगर नंबर बराबर होता तो हट जाता है, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। आप कहीं मेरा सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट है, कौन सा सॉल्ट है बोलो, कैल्शियम। लेकिन सोचो कि आपने बोला कि मेरा अनायन तो मुझे Cl- इशारा कर रहा है और मेरा जो कटायन है बच्चों मुझे वो Al3+ इशारा कर रहा है, तो बोलो क्या बनेगा। आप बोलेंगे Al3+ Cl-, तो मेरा सॉल्ट कौन सा बनेगा। एक और बात समझ में आ गई कि टेस्ट कभी भी सॉल्ट का पूरे प्रकरण नहीं होता, पहले अनायंस का होता है फिर कटायंस का होता है, एंड देन हम जाके उसको सॉल्ट का पता लगाते हैं। इट विल बी फाइन। थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखो लगेगा ऐसा कि
कब शुरू होने वाली वाली चीज़, लेकिन हमें बिल्कुल जड़ समझनी है, पहले जड़ गया है ना, उसके बाद काम करेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्ट एनालिसिस एक ही बार आपको मैं समझाऊंगा, मतलब मान लो दो क्लास मैंने इसे ले भी ली, उसके बाद थ्रू आउट देर तो प्रैक्टिस ही करनी है, ये पीडीएफ आपके पास होगी, इसमें देख के प्रैक्टिस करते रहना। क्लियर है यहाँ तक? अब शुरू करें, चलो अब टेस्ट शुरू कर दें। अभी आपके पास सॉल्ट मिल चुका है, सॉल्ट इज गिवन, अब आपके हाथ में सॉल्ट आ चुका है, है मान लेते हो पुड़ी आपको मिल चुकी है सबके पास। अब सबसे पहले उसको क्या करेंगे, भाग जाना, नंबर भी नहीं देगा एग्जामिनर, भाग जाना, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा अब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, और प्रिलिमिनरी टेस्ट होने के बाद बच्चों होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर हम सही से कर पाए तो हम आज काफी सारा कर लेंगे, और कल हम आते के साथ ही ना, यानी परसों हम आते के साथ ही प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, परसों ही कर देंगे स्टार्ट, हो जाएगा। एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट और एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, और ये मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले किसके लिए, बोलो, टेस्ट फॉर अनायंस। सबसे पहले बताओ आप सॉल्ट में क्या ढूंढने चलोगे, आप ढूंढने जाएंगे बच्चों की, चलो सर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन सा अनायन आया है, मेरे पास सी एल माइनस आया, बी आर माइनस आया, आई माइनस आया, एस ओ टू माइनस आया, कौन सा आया। किसी के नाम नहीं पता तो कोई नहीं, मैं नाम याद करवा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। सो सबसे पहला टेस्ट अनायन का करेंगे, और अनायन में दो टेस्ट करते हैं आप लोग, पहले करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड देन आप करते हैं बोलो क्या, कन्फर्मेटरी टेस्ट। मैंने बोला प्रिलिमिनरी और बोलो कौन सा, कन्फर्मेटरी। प्रिलिमिनरी क्या होता है, उस शब्द का सुना है आप लोगों ने पहले, हाँ स्टार्टिंग में कुछ करते हैं ना। देखो प्रिलिमिनरी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर गया और मैं वापस आया और मुझे इस रूम के अंदर कोई चेयर टूटी हुई मिली, है ना, तो अब मुझे डाउट हो रहा है, मैं ऐसे कुछ जनरल बातें कर रहा हूँ आप लोगों से और मुझे डाउट हुआ कि भैया ये कुछ बच्चे हैं जैसे, इनमें से मुझे संदेह है कि इसने, जतिन ने तोड़ी है चेयर, मुझे ऐसा संदेह हुआ, तो ये एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। कन्फर्म नहीं हुआ हूँ मैं, कन्फर्म नहीं हुआ हूँ, मेरे को शक है। जब तक किसी चीज का कंफर्मेशन ना हो लेकिन आपको आइडिया हो, आपको शक हो उस चीज पे, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट कि प्रिलिमिनरी आप कुछ करके देखते हैं और आपको पता लगता है, लगता है कि सर मेरे को लग रहा है क्लोरीन है शायद, मेरे को लग रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, कंफर्मेटरी करेंगे। क्या करेंगे बोलो, समझो मेरे को डाउट हो गया कि जतिन ने तोड़ी शायद, ये तो पता लग गया लड़कियों ने नहीं तोड़ी, जतिन ने तोड़ी लड़कों में से, और फिर मैं इसकी कंफर्मेशन के लिए जतिन के पड़ोसी वाले दोस्त को बुलाता हूं, उससे कंफर्म करता हूं कि ऐसे ऐसे भैया आया कि नहीं, तो वो कंफर्मेशन आती है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं बोलो, प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड देन आप क्या करते हैं बोलो, कन्फर्मेटरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम शुरू करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट बच्चों। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है वो सुनिए, और ऐसा हो सकता है बच्चों कि पहली बारी में ना आपको ये समझ में ना आए ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ना मल्टीपल टाइम्स होने वाला है। प्रिलिमिनरी टेस्ट सबसे पहले होता है बोलो किसके साथ, डायल्यूट H2SO4 के साथ, इट्स अ डायल्यूट H2SO4 टेस्ट। सुन लीजिए, मतलब कि सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, कुछ करना है नहीं करना है, एक चीज करनी है, प्रिलिमिनरी टेस्ट स्टार्ट करना है, और इसमें करते क्या है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों को सॉल्ट लेना है, थोड़ा सा सॉल्ट, मैं दिखा दूंगा, मैं क्वांटिटी आपको दिखा दूंगा, वो सॉल्ट जो आपको पुड़िया मिलेगा वो सॉल्ट आपको उसके अंदर डाल लेना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इस तरीके डाला, आप कैसे लेंगे सॉल्ट, सुन लीजिए बच्चों, ये सॉल्ट आपने ले लिया, ये सॉल्ट आपने ले लिया ऐसे करके, ठीक है। अब इस सॉल्ट के अंदर आप लोग क्या डालेंगे, कहां से मिलेगा ये मैं बना के दूंगा आप लोगों को, सारा सामान मैं बताऊंगा कि कहां से क्या मिलेगा, सब कुछ टेबल पे रख दिया जाएगा। दिस इज डाइल्यूट H2SO4, दिस इज कॉन्क H2SO4, सब रख दिया जाएगा। सॉल्ट आपके पास होगा, टेस्ट ट्यूब आपके पास होंगी, ड्रॉपर्स यहाँ पर रखे होंगे, आपको सारा काम बस उनसे उठा कर आ गया, तो चिट लगी होगी डाइल्यूट H2SO4 की, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कहीं से डालेंगे कैसे, तो सबके मैं डायग्राम सुना दूंगा आपको, ये चीज ड्रॉपर से ऐड करनी है, ऐसे नहीं कि पूरी पलट दी, ड्रॉपर से बोलो क्या डालेंगे, डायल्यूट H2SO4। अब डायल्यूट H2SO4 डालने पर कुछ हरकत होने वाली है, क्या हरकत होने वाली है, यहाँ कुछ इन्फ्लुएंस होगा, यहां पर कुछ क्या होगा बोलो, इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस होने के बाद आप लोग कुछ आइडिया लगाएंगे, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि मुझे जो मतलब अंदाजा लग रहा है कि क्या चीज हो सकती है उसके बारे में यहां लिखा जाएगा। क्लियर? जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, पहली चीज, अगर बच्चों ब्रिस्क एफर्वेंस आती है, ब्रिस्क एफर्वेंसेस ऑफ CO2 इज रिलीज्ड,
ब्रिस्क एफरवेंसिस ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। ब्रिस्क एफरवेंसिस कैसी एफरवेंसिस होती है मैं आपको बताता हूं। अगर CO2 की गैस निकल रही है ब्रिस्क एफरवेंस के साथ, तो आप ये कहते हैं कि इसका मतलब शायद कार्बोनेट का सॉल्ट मौजूद है। कार्बोनेट आयन में भी प्रेजेंट, कार्बोनेट आयन में भी प्रेजेंट, दैट इज CO32- में भी प्रेजेंट, अनायन प्रेजेंट। कौन सा अनायन तुम्हें लगता है? तो आप बोलेंगे अगर इन्फ्रेंस, अगर हरकत ये कहती है कि CO2 की ब्रिस्क एफरवेंस आई है, तो आप ये बोलेंगे कि शायद CO32- प्रेजेंट है। अगर बच्चों ऐसा हुआ तो आप CO32- के कंफर्मेटरी पे चले जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो कुछ और हुआ होगा जो कि मैं लिस्ट नीचे लिखने वाला हूं। समझ में आ रहा है? चल क्या रहा है? अगर आई ब्रिस्क एफरवेंस, चिंता मत करिए, नेक्स्ट क्लास में ब्रिस्क एफरवेंस दिखाऊंगा कैसे होती है। सुन लीजिए, बताता हूँ कैसे होती है ब्रिस्क एफरवेंस। घर में जब मम्मी कभी शाम में सब्जी बना रही थी, छोंक लगता है, सब्जी छोंक लगता है तो आपकी नाक में ना ऐसे खुजली होती है। स्मेल एक अलग चीज होती है, इसकी स्मेल नहीं होती, कुछ भी स्मेल नहीं होती इसमें। इसमें ऐसा होता है नाक में ना ऐसा सुई चुभ रहा है, चुभने वाली। ऐसा कभी कभी आपने स्प्राइट की बोतल खोली, बहुत नजदीक से खोल दी तो नाक में ऐसे खुजली सी हुई, और आपको ऐसे से करना पड़ता है, करना पड़ता है। दैट इज बेसिकली द ब्रिस्क एफरवेंस। ये क्या होती है बोलो? ऐसी स्मेल, इसको बोलते हैं झनझनाने वाली स्मेल होती है। झनझनाने वाली मतलब कि आप ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, ऐसे छोंक में से भी आती है, तो वो होती है बेसिकली फ्रेश CO2, दैट इज ब्रिस्क एफरवेंस को बोलते हैं हम। और ये जो होता है इशारा करता है कि CO32- शायद प्रेजेंट है। अच्छा फोन आ रहा है उसका, ठीक, एक बार देखो इसको। हेलो, मैंने भैया को भेजी हुई है, चल भेजा। हाँ भाई, तो अगर ये झनझनाने वाली स्मेल आती है तो आप लोग क्या समझेंगे? समझ रहे हैं है ना कि भैया CO32- होने के चांसेस है, जैसे कि, या फिर अगर कुछ और हुआ, कुछ और हुआ तो किसी और के प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करना चाहते हैं, मैं आपको एक स्पॉट का ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको ट्राई करके 5 मिनट के अंदर, ठीक है। हम इसको यहाँ रोकेंगे और मैं आपको जैसे बताता हूँ, कुछ अनायंस ऐसे होते हैं जो डायल्यूट H2SO4 के साथ प्रिलिमिनरी एक्शन नहीं दिखाते, वो किसके साथ दिखाते हैं? कॉन्क के साथ। मान लो कि आपका अगर अनायन ही ऐसा हुआ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ अनायंस होते हैं Cl- Br- I-, ये आपको दिख रहे हैं कौन से अनायंस हैं? ये सारे वो अनायंस हैं, ये सारे वो अनायंस हैं जो आप लोगों के हैलोजन्स में आते काउंट, या मैं कहूँ कि वो वाले अनायंस हैं जो डायल्यूट H2SO4 के साथ प्रिलिमिनरी नहीं देते। ये किसके साथ देते हैं बोलो? कॉन्क के साथ देते हैं। अब आप ये कहेंगे सर मैं कैसे पता लगाऊंगा? भाई बात बड़ी सिंपल सी है, अगर डाइल्यूट के साथ नहीं दिया ना तो समझ जाना कि उनमें से ही कोई है। मैं भी लिस्ट दिखवाता हूं, चिंता मत करिए। अरे हेलो, मिल गए यार, मेरे 10 मिनट वेट कर ले, बस मेरी क्लास 5 मिनट पहले खत्म करके ना एक बार नाप के साइज को एग्जैक्ट बता दूंगा। 10 तो मान ले निकलवाने ही पड़ेंगे, ठीक है, फिर मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट 5:05 तक बता दूंगा, नाप वही करूँगा मैं, 5 बजे ख़त्म कर दूँगा फिर मैं तेरे को बोलता हूँ, ठीक है।
देखिए एक ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा तुम्हें पता भी लग जाएगी करना क्या है एक्चुअली में ना। लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक क्लास में पूरी होने वाली चीज़ नहीं है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे नाइन्स है, बहुत सारे का नाइन्स है, लेकिन हम जितना टुकड़े टुकड़ों में सीखेंगे उससे भी काम चल जाएगा। बोले ड्रॉपर पता है कहाँ पर रखें हमने, कहा एक बार आइए अंदर रूम में। देखो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे कि ये तो हो गया CO32- का, मैं आपको बताता हूं Br- का। जैसे Br- का कोई भी सॉल्ट अगर हुआ, कोई भी सॉल्ट अगर हुआ तो ये प्रिलिमिनरी एक्शन कैसे दिखाता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी अनायंस हैं या तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई हरकत करेंगे या किसके साथ करेंगे बोलो, कॉन्क के साथ। कॉन्क के साथ पूरी बात सुनिएगा, इसमें भी छोटी सी एक्सेप्शन है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने क्या बोला, अनायंस या तो डाइल्यूट के साथ कुछ हरकत करेंगे या बोलो किसके साथ, बोलो कॉन्क के साथ। अगर डाइल्यूट के साथ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाने दे, लिस्ट बनाऊंगा उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। जैसे कि एक और आएगा यहाँ पर S2-, एक और आएगा यहाँ पर NO2-। बच्चों प्लीज बातें नहीं करनी है, सुनते चलो। मतलब यहाँ पर कुछ अनायंस आएंगे, 4 से 5 अनायंस जिनकी मैं बात करूंगा कि वो डाइल्यूट के साथ हरकत देंगे, बट अगर मैंने सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट डाला और कुछ भी नहीं हुआ तो इसका क्या इशारा जाता है कि इनमें से तो कोई भी मौजूद नहीं। फिर शायद उनमें से मौजूद है, 2-3 दे दें मुझे, 2-3 ड्रॉपर्स शायद। ठीक है। और एक चीज और, यहाँ से सोडियम क्लोराइड है ना, एक मोनी अमोनिया की बोतल होगी, इस पर लिखा होगा यहाँ पर बोतल है अमोनिया की, वो दे दे। सो ए क्लास प्लीज, सो गाइस इनमें से तो नहीं है, मतलब उनमें से कोई होगा, फिर आप क्या डालोगे बोलो, कॉन्क। और कॉन्क डालने में, जैसे मैं एक का बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर ब्राउन फ्यूम्स आई, कौन सी फ्यूम्स आई बोलो, ब्राउन फ्यूम्स, तो ये अंदाजा देता है कि शायद Br- मे बी प्रेजेंट, Br-। जैसे कि कहते हैं अगर ब्राउन की जगह पे व्हाइट फ्यूम्स आई, कौन सी फ्यूम्स आई बोलो, व्हाइट फ्यूम्स, तो बोलेंगे Cl- शायद प्रेजेंट है, शायद, कंफर्मेशन बाद में मिलेगा। अगर बच्चों वॉयलेट फ्यूम्स आई, बोतल केमिकल है, शेक नहीं करना है, वॉयलेट फ्यूम्स आई तो बोलेंगे I- मे बी प्रेजेंट, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर व्हाइट फ्यूम्स आई तो इट विल बी Cl-, इफ इट विल बी द ब्राउन फ्यूम्स इट विल बी Br-, इट विल बी द वॉयलेट फ्यूम्स इट विल बी द I-, समझना मेरी बात, ठीक है। कॉन्क डालने पर अगर ये हरकत होती है, एक बार करके देखें, अब शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब का डब्बा और है, मुझे पूरा का पूरा वो, ये कौन सा सॉल्ट है, देखो ये सोडियम ब्रोमाइड है, कौन सा सॉल्ट है, सोडियम ब्रोमाइड। इफ वी एड, बच्चों इधर, इफ वी एड डाइल्यूट H2SO4 इन द ब्रोमाइड सॉल्यूशन, नथिंग विल बी हैपन, क्योंकि ये किसके साथ देता है बोलो, कॉन्क के साथ, ये याद करनी पड़ेंगी चीजें बच्चों। लेकिन कॉन्क डालेंगे तो क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स आएंगे, लेकिन ध्यान रखना अभी आपको पता है इट विल बी ब्रोमाइड, उस समय पता, उस समय तो व्हाइट सॉल्ट होगा आप में, आप लेकिन डालेंगे जब इसके अंदर, स्पैचुला और थी बहन, 2 मिनट ये रह ले तो बढ़िया रहेगा, स्पैचुला और थी, वो तो समझ गए क्या होती है, बस एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड होते बस। बच्चों ये मेरे पास ब्रोमाइड का सॉल्ट इतना लेना है, काफी है, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे पहले से एसिड था, हल्का हल्का ब्राउन तो भी से बन गया, वो रमोनी स्टैंड ऊपर है, बस स्टैंड पूरा नहीं है, वो तो नया स्टैंड है। इसी का अगर हाथ वात कहीं से कटा हो ना कभी भी, तो इनको यूज करते, सॉल्ट्स के एसिड्स को यूज करते वक्त उधर बैंडेड लगा लो, या तो
या ग्लव्स पहन लो, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत करेगी भाई। हम लोग बहुत यूज टू हो रहे हैं इससे, उन्होंने एक बार अन्य को लाया तो देख लियो। ऐसा मेरा फ़ोन ले जाके तो कर रहा है भाई, बस 10 मिनट कॉल ना आपके, पेमेंट नहीं करनी, पूछ रहा है कि कौन सा है। आपको ब्राउनिश कलर नजर आया, क्लियर है? अगर ये ब्राउन फ्यूम्स ना हो तो ये टेस्ट ट्यूब पे ब्राउन कलर नहीं आएगा बच्चों, ये फ्यूम्स ब्राउन निकली है एंड दैट्स व्हाई दिस टेस्ट ट्यूब विल बिकम ब्राउन ना। अगर कंसंट्रेटेड एक्सट्रा सोफोर डालने पे ये ब्राउन कलर दे देता है ऐसा, तो ये ऐसा देगा ही ब्रोमिन के साथ, चिंता मत करिए, देगा किसके साथ बोलो, ब्रोमिन के साथ। अब दे ब्रोमिन के साथ रहा अगर ये, तो भैया मतलब हमने याद कर लिया कि ऐसा ब्राउन कलर तो ब्रोमिन के साथ ही आता, तो इस ऐसा ब्राउन कलर आने के बाद आपको प्रिलिमिनरी आइडिया लग गया कि इट विल बी Br माइनस, देन यू विल गो टू द कंफर्मेटरी। अच्छा कोई बच्चा पूछे गैस कौन सी है सर, तो मैं बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। अगर Br माइनस का अनायन है, ऊपर से तुमने डाला H2SO4, बच्चों बताओ H2SO4 क्या रिलीज करता है, H+। H2SO4 क्या रिलीज करता है, H+। H+ और Br माइनस मिलकर क्या बनाएगा, HBr। क्या बनाएगा बोलो, तो ये HBr की गैस है। HCl की गैस देखनी है, HCl की भी दिखा सकते हैं, दिखाते पहले ये दिखा आप लोगों को, ऐसी ब्राउन हो जाएगी। अब तो शायद दूर भी दिख गया होगा, ब्राउन कलर बहुत ईजिली दिख रहा है, नहीं दिखा? ये मैं आपको बीच में से करवा दिया हूँ भाई, सीक्वेंस में करेंगे हम बाद में। हाँ थोड़ा सा चलो एक और दिखाता हूँ, देखो जैसे कि क्या होता है। ओए धमाकेदार सुन ले, अगर बच्चों व्हाइट फ्यूम्स निकली, क्लास प्लीज, अगर व्हाइट फ्यूम्स निकली तो कौन सी हो सकती है बोलो, Cr माइनस हो सकता है। क्यों निकलती है व्हाइट फ्यूम्स, में आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, सुना है यहाँ पर। अगर मेरे पास सॉल्ट हुआ मान लो NaCl, कौन सा हुआ बोलो, मतलब उसमें Cl माइनस है, जैसे ही तुम ऊपर से डालोगे H2SO4, क्या डालोगे, तो H2SO4 में है H+, क्या बोलो, वो H+ और ये Cl माइनस मिलके बोलो क्या निकलेगा, तो यहां से निकलेगी HCl गैस, क्या निकलेगी बोलो, देखना ये जो HCl की गैस होती है ना, कुछ बच्चे बातें कर रहे हो बच्चों जतिन, ये जो HCl की गैस होती है ना, ये व्हाइट फ्यूम्स होती है, कैसी फ्यूम्स होती है बोलो, मतलब मैंने क्या बोला, अगर Cl माइनस का सॉल्ट है तो सेम H2SO4 डालने पे ब्राउन फ्यूम्स नहीं आएंगे, कौन सी फ्यूम्स आएंगे बोलो, व्हाइट फ्यूम्स। और अगर ये व्हाइट फ्यूम्स हल्की हो, वैसे तो दिख जाती है बट फिर भी तुम्हें लगे हल्की व्हाइट फ्यूम्स है, तो इनका कंफर्मेशन करने के लिए तुम क्या करना, एक ग्लास रोड लेना, मेरे पास ग्लास रोड भी है यहाँ पर, कहाँ रख दी, एक ग्लास रोड लेना, उस ग्लास रोड को अमोनिया में डिप करना बच्चों, उस ग्लास रोड को किसमें डिप करके लेगा ना, अमोनिया में, दिस ग्लास रोड डिप्ड इन अमोनिया। जैसे ही तुम उसके सामने अमोनिया लेके आओगे, यहां पर गहरी व्हाइट फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कैसी व्हाइट फ्यूम्स होंगी बोलो, डेंस व्हाइट फ्यूम्स, कैसी व्हाइट फ्यूम्स होंगी बोलो, ये कंफर्म करेगी कि अगर ये सब हरकत हो रही है तो Cl माइनस है, कौन है बोलो, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे इसके लिए भी। ये हमारे पास कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, ये है बच्चों हमारे पास सोडियम क्लोराइड, कोई सा भी कर लो क्लोराइड होना चाहिए बस। और ये सब तुम्हें भी करना है, ध्यान रखना है ठीक है, लेकिन विद लैब कोट विद ग्लव्स, आपके पास दोनों चीजें बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप लैब कोट के साथ नहीं है, मैं अलाउ नहीं करूंगा बच्चों। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस डिफरेंट थिंग थी, मैंने कर दिया था अलाउ, इसमें मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, 20-25 रुपए के ग्लव्स आते हैं, ज्यादा महंगे होते नहीं है ठीक है, अच्छे वाले लेने 100 रुपए तक के लेने, परमानेंट चलेंगे ठीक है, 1 टाइम यूज वाले लेने 10-10 रुपए के आते हैं, हो जाएंगे वो भी अच्छे होते हैं। अब ये क्या है बोलो, क्लोराइड ठीक है, एंड व्हेन वी ऐड कंसंट्रेटेड H2SO4 इट विल रिलीज द व्हाइट फ्यूम्स ना, तो व्हाइट फ्यूम्स आनी चाहिए बच्चों। एक बच्चा आगे आओ, कोई आ जाइए लवेश, तेरे को क्या करना है ना। अच्छा देखो अमोनिया की जो रोड है बच्चों, प्लीज अमोनिया की जो रोड है, मैं एक हाथ में टेस्ट ट्यूब पकड़ के अमोनिया की रोड को बेसिकली नहीं डिप कर पाऊंगा, तो लवेश को इसलिए बुलाया गया ताकि अमोनिया में वो रोड को डिप करके रखे, और जब मैं वो गैस निकलेगी HCl की तो उसके सामने ही लेके आएगा तो हो जाएगा ठीक है, क्योंकि अमोनिया हम ज्यादा देर ग्लास में खुला नहीं छोड़ सकते, पंजेंट स्मेल होती है, आपको सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी।
है, कोई दिक्कत नहीं। देख कुछ नहीं करना, अभी तो खुला है, डिप हो गया ना, तब करना है जब बोलो, ठीक है? इसको डिप कर दिया। देना ना बताओ, पकड़ लो इसे वॉल पेपर से दूर और अपने हाथ पे मिल गए। प्रॉपर वर्किंग नहीं है भाई। अरे कुछ नहीं है। अच्छा कुछ व्हाइट फ्यूम्स आपको नजर नहीं आ रही होंगी शायद ना, आई थोड़ी बहुत व्हाइट फ्यूम्स नजर नहीं नजर आ रही तो देखो अब आएगी, अभी भी नहीं आई। व्हाइट फ्यूम्स नजर नहीं आ रही है, आगे वाले बच्चों को नजर नहीं आ रही है, थोड़ा डार्क करना है, चलो थोड़ा और कर लेते हैं। ड्रॉपर में ना बहुत ज्यादा आया नहीं, ये ड्रॉपर बच्चों थोड़ा काम नहीं कर रहा, टाइम हमारे पास उतना है नहीं, तुम्हारे पास है ना, अभी भी नहीं आ रही, आ गई है। और ये एक्चुअली अमोनिया थोड़ा कम लगा हुआ है इसके ऊपर, अदरवाइज अमोनिया लाने पे नहीं ये फ्यूम्स और ज्यादा डेंस हो जाती है, ठीक है? ये व्हाइट फ्यूम्स आपको बहुत इजीली दिख रही होंगे, बट सेम चीज जब ब्रोमिन के साथ करी थी इट विल नॉट द व्हाइट फ्यूम्स, सेम एस्ट्रेस ऑफ वो डालने पे इट विल बी द ब्राउन फ्यूम्स। तो बहुत इजीली अब जा सकते हो, इसको दिक्कत नहीं। ये अमोनिया थोड़ा हमने कम लिया है, बाद में देखेंगे इसको। ये देखो दोनों में बिल्कुल सेपरेट है, ये ब्राउनिश है और ये बोलो कैसी है, बोलो व्हाइट फ्यूम्स है। ये आपको इशारा करेंगे कि ये बी आर माइनस है और ये वाला बोलो क्या है, सी एल माइनस है। बट दिस इज नॉट द कंफर्मेशन गाइज, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसके बाद एक कंफर्मेटेड टेस्ट होता है इसका भी, और मतलब आपको अगर बी आर माइनस लगता है ना कि शायद बी आर माइनस है, कैसे, क्योंकि आपको ब्राउन कलर दिखा है, तो आप इसकी कंफर्मेटेड टेस्ट करते हैं कि ये फलाना ठिकाना मिला है, हाँ ऐसा हो गया, अब तो पक्का बी आर माइनस है। मतलब कि एक चीज को टेस्ट करने के लिए कम से कम दो चीजें करनी है, एक बार प्रिलिमिनरी में कंफर्म होना चाहिए और एक बार कंफर्मेटरी में कंफर्म होना चाहिए। नहीं आया समझ में, मैं कुछ बात समझ में आई, अभी कुछ कुछ ही समझ में आनी चाहिए। सॉल्ट एनालिसिस मैंने आपको बोला है बहुत वास्ट टॉपिक है, आप सोचे कि एक क्लास में आपको सॉल्ट एनालिसिस बहुत जबरदस्त समझ में आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा टाइम लेगा बच्चों। लेकिन अभी ना हमने आज एक थोड़ा टेस्ट करके देखा, क्या आप लोगों को टेस्ट समझ में आया? अगर यही चीजें आप लोग खुद करके देखेंगे और आपको ब्राउन फ्यूम्स आएंगे तो आपको इशारा जाएगा बी आर माइनस का, व्हाइट फ्यूम्स आएंगे तो इशारा जाएगा बोलो किसका, सी एल माइनस का, और वॉयलेट आए तो किसका जाएगा बोलो, आई माइनस का। सो वॉयलेट बिल्कुल अलग कलर है, बिल्कुल अलग दिखेगा आप लोगों को, ठीक है ना? और बच्चों तो फाइनल मैं आपको एक मिनट बात करूंगा, उसके बाद हम क्लोज करेंगे आज की क्लास। आज बच्चों हमने ना प्रैक्टिकल से एक टॉपिक स्टार्ट करा जिसका नाम बोलो क्या है, सॉल्ट एनालिसिस। एज इट्स नेम सजेस्ट वी आर एनालाइजिंग द सॉल्ट हियर एंड वी हैव सो मेनी सॉल्ट्स, वी हैव कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बहुत तरह के सॉल्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सॉल्ट के अंदर क्या होता है, एक कटायन होता है और एक बोलो क्या होता है, अनायन। और वो कटायन और जो अनायन होता है ना बच्चों, इतने सारे मान लो कटायन और इतने सारे मान लो बोलो क्या है, अनायन। तो मैं इसके कटायन का सॉल्ट इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, किसी के साथ भी बना सकता हूँ। तो सॉल्ट तो बहुत तरह के बनेंगे, तो हमें वो सॉल्ट पता करना होगा। आपको सबको वो पुड़िया मिलेगी, सबको पुड़िया मिलेगी व्हाइट कलर की, इसकी मिलेगी बोलो व्हाइट सॉल्ट होगा उसके अंदर।
अब व्हाइट सॉल्ट होगा तो भाई सबको एक जैसा लगेगा देखने में, लेकिन वो होगा सबका अलग अलग बच्चों। तो आप कुछ टेस्ट करेंगे जिसके जरिए आप पता लगा के आएंगे कि सर मेरा तो ये वाला सॉल्ट है। लेकिन क्या पूरे सॉल्ट का टेस्ट होता है या कटायन और अनायन दोनों का टेस्ट होता है? कटायन और अनायन आप प्रेजेंस चेक करते कौन सा अनायन है और कौन सा कटायन है, उसके बाद आप सॉल्ट बता देते। आपको पता लगा मेरा जो अनायन है वो तो ये है और मेरा जो कटायन है वो तो ये है, तो आपने बोला जिंक तो है 2+ वाला और आई है माइनस वाला, तो आप बोलेंगे सर जिंक आयोडाइड है। क्या बोलो? ऐसे बोलते हैं आप सॉल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज मैंने ज्यादा नहीं कराया, मैंने बस आपको बोला कि जब हम टेस्ट फॉर अनायन शुरू करते हैं ना बच्चों, तो हम सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, जिसमें प्रिलिमिनरी में कुछ अनायंस जो है डाइल्यूट एक्स्ट्रासोपोर के साथ हरकत करती है और कुछ बोलो किसके साथ, बोलो कॉन्ग के साथ। जैसे एक कॉन्ग के साथ मैंने दो करके दिखाया आप लोगों को कि अगर BR और CL- में से कोई हुआ तो कॉन्ग एक्स्ट्रासोपोर डालने पर एक से ब्राउनिश फ्यूम्स आएंगे और एक से बोलो क्या व्हाइटिश फ्यूम्स आएंगे। और ये हम तरीके से सीखेंगे, अभी शुरुआत हुई है, नेक्स्ट क्लास में हम साथ साथ करेंगे भी और प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि क्या हो रहा है उससे, क्लियर होता है कि नहीं होता। सो भी एक आध क्लास में प्रैक्टिकल की चलने देते हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा सीरियसली इसको भी पढ़ना, तभी प्रैक्टिकल करने में आपको मजा आएगा, थोड़ा मजा नहीं आएगा वैसे ही लगेगा बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये नहीं आ रही बात समझ में? सबको क्लियर है? PDF मैं ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों के, बाकी इसको आगे करते हैं, ठीक है? आज इतना ही करेंगे। मैथ्स वाले बच्चे यहीं बैठे हैं ना, जिन बच्चों का मैथ्स का क्लास है आज इसी रूम में।